सरस्वती क्लासेस बनावाली में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स के एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 की बात करेंगे, जो बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग है। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया होगा बच्चों, आपको नंबर्स दिए होंगे जिनको हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, यहाँ नंबर्स लिख देंगे। ओ का मतलब 1 प्लेस, टी का मतलब 10 प्लेस, एच का मतलब 100 प्लेस, TH का मतलब 1000, टी का मतलब 10,000, लेख टी का मतलब 10 लेख, सी का मतलब करोड़। और यहाँ हमने लिखा, यहाँ वैल्यू पुट की 2, 6, 7, 5, 9, 5, 7, 8। तो जब भी लेख के अंदर ये 2 डिजिट होंगे तो इनको इकट्ठा रीड करेंगे, 1000 में 2 डिजिट होंगे तो इकट्ठा रीड करेंगे, ये हम रीड करते हैं इकट्ठा। तो इसको रीड किया 8,75,95,762, ये लिखा विद्यार्थियों, 8,75,95,762। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 3, 8, 2, इनको इकट्ठा रीड करेंगे, और 6, 4 इसको इकट्ठा रीड करेंगे, 5, 8 इसको इकट्ठा रीड करेंगे। 5, 8 लेख में आ रहा है, ये 85 है तो इसको लिखेंगे 85 लेख, एच टी वाई 85 लेख, 46,000 है 46,000, और 283। इसी तरह से नेक्स्ट सम, यहाँ वैल्यू पुट की 4,60,00,999। तो यहाँ हमने पढ़ा 9,99,46,000, तो लिखेंगे 9,99,46,000। इसी तरह से ये वैल्यू पुट की हमने 1,07,23,489। तो इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों, 9,84,32,701, ये आप खुद लिखेंगे। फोर्थ सम है इंटरनेशनल सिस्टम, इसके अंदर भी सेम वे होगा, 1,100, इन तीनों को इकट्ठा रीड करेंगे। इसके बाद TH का मतलब 1000, टी का मतलब 10,000, एच का मतलब 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 1000 मिलियन, ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखी, इन कॉलम में हमने इनका मान पुट किया। फिर इसको रीड किया 78 मिलियन, यानी इन तीनों को इकट्ठा रीड करेंगे, इन तीनों को इकट्ठा रीड करेंगे, और इन तीनों को इकट्ठा, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 छोड़ के कॉमे लगते हैं, और इंडियन सिस्टम में शुरू में 3 और फिर 2-2, तो ये आप कॉमे भी सूटेबल कर देंगे, यहाँ 3 बाद में 2-2, 3 फिर 2-2, और इसके अंदर 3-3 लगेगा, तो ये आएगा 3 में सिर्फ 2 ही आ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 78,921,092, ये लिखा हमने 78,921,092। सेकंड पार्ट देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा, 3, 8, 2, और फिर रहेगा हमारा 2, 5, 4, और फिर रहेगा 7। तो कैसे रीड करेंगे, यानी इन तीन में एक क्या रहेगा, 7 मिलियन, आगे इन तीनों को इकट्ठा रीड करेंगे, 453,000। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट, 2,0,1,5,8,9
9 9, तो मिलियन के अंदर हमारा आएगा 99,985,102। तो यहाँ लिखेंगे हम 99,985,102। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है विद्यार्थियों 138,940,84। यहाँ तीन तीन के बाद कॉमा लगा दीजिए, यहाँ भी। तो ये 48,049,831, ये विद्यार्थियों आप खुद पूरा करोगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।